कोरोना संक्रमण अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद स्थिति काफी हद तक नियंत्रित हो गई थी, लेकिन जब उसके बाद प्रशासन ने ढील दी तो यह संक्रमण वापस लौट आया है। इस बार यह बताया जा रहा है कि यह पहले से भी अधिक घातक हो चुका है। इसको नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने जहां एक और बसों में 50% सवारियां बिठाने के आदेश दिए हैं, वहीं शनिवार और रविवार को दुकानें भी बंद रखने के लिए कहा है। निजी बस चालक इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि वह 50% सवारियों में खर्चा नहीं निकाल पाएंगे और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसे वह सहन करने की स्थिति में नहीं है। निजी बस चालकों ने कहा कि उन्हें पहले ही सवारियां बेहद कम मिल रही हैं। ऊपर से प्रदेश सरकार ने 50% सवारियों की संख्या निर्धारित कर दी है। अगर यही आदेश रहे तो उन्हें घर चलाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। इन शर्तों के अनुसार वह बसें नहीं चला पाएंगे क्योंकि कम सवारियों में उनका खर्चा ही नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि पहले तो जैसे तैसे उनके द्वारा घाटे में भी बसें चला दी गईं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कोरोना संक्रमण जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। 50% में तो बड़ा मुश्किल है कि हमारी बसें चल पाएंगी, और सरकार जो है हमारा टैक्स भी माफ़ नहीं कर रही, तो जो है ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर 50% में हम मतलब बस से चलाएंगे तो हमारे को चलाने में मुश्किल आएगी। हमारा तो तेल का भी नहीं पूरा होगा, और ऐसा तो है नहीं कि 50% में हमारे को डायरेक्ट सवारी, जैसे हमारी बस पौंटा साहिब जाती है तो हमारे को पौंटा की ही डायरेक्ट मिलेगी 50%। बीच में सराह की भी होती है, नहान की भी है, फिर लोकल सवारी भी। हम सवारी को मना थोड़ी ना कर सकते कि आप मत चढ़ो। तो क्या आप 50% सवारियों के साथ बसों को चलाएंगे? 50% के साथ तो बड़ा मुश्किल है, हमारी तो बसें खड़ी हो जाएगी। हमारे को तो खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी जो है टैक्स भी नहीं दिया जा रहा है हमारे से। पहले थोड़ा बहुत खर्चा निकलना शुरू भी हो गया था, अब तो वो भी नहीं निकल रहा है। जब 100% थी तब भी हमारे पास इतनी सवारी नहीं थी कि मतलब कि हमारा पूरा हो, मतलब तब भी हमारे पास 50 से कम की एवरेज आ रही है। हमें काफ़ी दिन हो गए, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा था, तेल पानी का गुजारा निकल रहा था हमारा, पर आज स्थिति ये आ गई है कि हमें खड़ी करनी पड़ रही है। कुछ ही दिनों की बात है, जैसे आगे बोल रहे हैं कि शनिवार एतवार का दिन हमें बाज़ार बंद रहेंगे, मार्केट बंद रहेगी, तो मार्केट अगर बंद रहेगी तो सवारियाँ कहाँ से आएगी? सवारी नहीं आएगी तो इट मीन्स हमारे को खड़ी करनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। आज भी हमारे स्टाफ का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है खर्चा हमारे ऊपर, डेली डेली हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो सर, जैसे 50% सवारी कर दी गई है तो क्या आप ऐसे में बसें चलाएंगे 50% सवारी के साथ? बहुत मुमकिन नहीं है, ना पॉसिबल नहीं है ये चीज़। इससे तो अच्छा है लॉकडाउन ढंग से लगा दे, एक हफ्ते का ही लगा दे सीधा, तो हम खड़े तो रहेंगे, कम से कम खर्चा तो बचाएंगे अपना, टायर टप्पा तेल जो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है आज समस्या। तो आज तक हम किश्ती नहीं निकाल पा रहे अपनी, 3-4 महीने तो ऐसे हो गए कि हम अपनी किश्ती नहीं निकाल पा रहे। सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे सामने आ रही है, सिर्फ तेल पानी का खर्च निकलता है हमारा, ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह निकलती है, उसके बाद मेंटेनेंस है अपनी जेब से दे रहे, किस्त अपनी जेब से दे रहे, पर कब तक देंगे हम? हमारे को बसें खड़ी करनी पड़ेगी, इससे हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि जब ड्राइवर कंडक्टर का खर्चा निकलेगा, तेल पानी नहीं निकलेगा, फिर 50% पे कौन बसें चलाएगा सर? समस्या ये भी, अब हमारे को तो सवारी चाहिए, अगर सवारी होगी तो हम तभी चला पाएंगे।